बीते कुछ दिनों से दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जहां पहले वे ईडी मामलों में बुरी तरह से घिरे हुए थे, वहीं वे अब सीबीआई केस में फंसते नजर आ रहे हैं। पर बात ऐसी है कि आए दिन बहुत लोग ही दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के फेवर में खड़े हो रहे हैं और इस मामले में अब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को भी 150 प्लस लॉयर्स द्वारा शामिल किया जा चुका है। इन्हीं सबके बीच में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी हार नहीं मानते हुए सीबीआई द्वारा अरेस्ट, रिमांड और इन्वेस्टिगेशन को चैलेंज किया है। इस मामले की सुनवाई और कोई नहीं बल्कि जस्टिस नीना बंसल कृष्णन कर रही है और केजरीवाल की ओर से मौजूद होकर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने पॉइंट्स रखे हैं। इसी हियरिंग के दौरान सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कोर्ट को बताया भी था कि वे जल्द ही इस केस में एक बेल प्ली फाइल करेंगे। वहीं केजरीवाल ने अब बेल प्ली फाइल कर दी है, जिसकी अर्जेंट लिस्टिंग की मांग करते हुए एडवोकेट रजत भारद्वाज उनकी ओर से मौजूद हुए थे और जिन्होंने कहा है कि द एप्लीकेंट वाज टेकन इनटू इलीगल कस्टडी विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ एंड ही हैज फाइल्ड अ बेल प्ली। हालांकि अर्जेंट लिस्टिंग से मना करते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेदेला की बेंच ने इस मामले को फ्राइडे यानी कि आज के लिए लिस्ट किया था और वो भी जस्टिस नीना बंसल कृष्णन के ही सामने। तो देखते हैं कि इस बेल प्ली में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कौन से पॉइंट्स रखे हैं और सीबीआई को कैसे फटकारा है। हियरिंग शुरू करते हुए ही सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा है कि कैसे इस मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना काफी गलत है क्योंकि वे एक फ्लाइट रिस्क नहीं है एंड स्टेटेड देयर इज नो रिमोट एलिगेशन ऑफ द ट्रिपल टेस्ट बीइंग वायलेटेड। फोर इंडिविजुअल्स हैव ऑलरेडी बीन ग्रांटेड बेल। ऑन व्हाट ग्राउंड्स एम आई स्टिल डिटेन्ड? आफ्टर 2 years आई वॉज अरेस्टेड फॉलोइंग माई बेल इन द ईडी केस फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट। आई एम नीदर अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नॉर अ टेररिस्ट। आई एम सीकिंग इंटरिम रिलीफ। हालांकि सीबीआई की ओर से मौजूद एडवोकेट डीपी सिंह ने यहां पर केजरीवाल के काउंसिल पर तंज कसते हुए कह दिया कि दे हैव कंटेस्टेड द अरेस्ट विच इज ऑलरेडी अंडर कंसिडरेशन। द बेल एप्लीकेशन शुड हैव बीन फाइल्ड इन द ट्रायल कोर्ट फर्स्ट। ये सुनकर तो कोर्ट भी थोड़ी हैरान हो गई कि भला उन्होंने ट्रायल कोर्ट को इस मामले में क्यों नहीं अप्रोच किया है और सवाल किया, इज देयर नो बेल प्ली बिफोर द ट्रायल कोर्ट? जिसका जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि नो, देयर आर 9 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ऑन दिस मैटर। हालांकि ये सुनकर जस्टिस नीना खुश नहीं दिखी और कहने पर मजबूर हो गई कि द रूल ऑल्सो सेज दैट सेशंस कोर्ट शुड बी फर्स्ट अप्रोच्ड। द कोर्ट्स कॉम्पिटेंस इज अनक्वेश्चनेबल। इस पॉइंट पर केजरीवाल की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने कोर्ट को समझाते हुए कहा कि व्हेन माय लॉर्ड्स आर एग्जामिनिंग द केस ऑफ लीगैलिटी एंड वैलिडिटी अरेस्ट एंड रिमांड देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सेंडिंग अस बैक। जिसके साथ ही सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट साइट करना शुरू किया। हालांकि सीबीआई लॉयर एडवोकेट डीपी सिंह ने उन्हें फटकारते हुए कहा कि इन द ईडी केस देयर प्ली अगेंस्ट अरेस्ट वाज पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट व्हाइल दे सॉट बेल इन द ट्रायल कोर्ट। लेकिन यहां पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने सीबीआई को पलट जवाब देते हुए कहा, द सीक्वेंस वाज एंटायरली डिफरेंट देयर। दिस इज अ डाइवर्जन टैक्टिक। द लॉ इज क्लियर। माय लॉर्ड हैज द जुरिसडिक्शन। और यहां पर सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने भी ऐड करते हुए स्टेट किया, आवर मेन आर्ग्यूमेंट इज दैट सेक्शन 41A वाज वायलेटेड। द ट्रायल कोर्ट रूल्ड इट वाजंट, मेकिंग अ रिटर्न देयर पॉइंटलेस। वापस से सीबीआई को फटकारते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि द सुप्रीम कोर्ट हैज क्लैरिफाइड द लॉ, नो सेक्शन 45 PMLA इज इन्वॉल्वड। My lord should hear the bail plea today. What is the point of all these judgments if CBI lawyer insists on going to the trial court? हालांकि जस्टिस नीना इसी बात पर यहां कंफ्यूज थी कि ट्रायल कोर्ट को स्किप करते हुए दिल्ली सीएम सीधे दिल्ली हाई कोर्ट क्यों आ गए हैं और कहा, How often has the Supreme Court directed cases to trial courts for propriety? The law is clear. We have concurrent jurisdiction. The Supreme Court has emphasized not overloading higher courts when remedies are available. There must be a reason for coming directly to the High Court. और अंत में सारे आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद अपना ऑर्डर पास करते हुए स्टेट किया, The petitioner has approached this court directly. This issue will be addressed at a later stage. The CBI is to submit a reply within a week, listed for 17th July. आपको याद दिला दे कि 17 जुलाई को ये सेम बेंच अरविंद केजरीवाल की उस प्ली को भी सुनने वाली है जिसमें उन्होंने सीबीआई द्वारा अरेस्ट और रिमांड को चैलेंज किया है। तो देखते हैं कि क्या फैसला दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के फेवर में जा सकता है या नहीं। हालांकि यहां ये समझना भी जरूरी हो जाता है कि भला दिल्ली सीएम केजरीवाल ने सीधे दिल्ली हाईकोर्ट का रुख क्यों किया है इस मामले में। कई लोगों का मानना है कि ये इस वजह से हुआ है क्योंकि लास्ट टाइम जब अरविंद केजरीवाल ईडी केस में दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट जा पहुंचे थे बेल की मांग करते हुए, तो जज न्याय बिंदु के बेल देने के बाद से मामला बहुत ही बुरी तरह से खराब हो गया था। उनके बेल ऑर्डर के ऑफिशियली अपलोड हुए बिना ही इस मामले में ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था और जहां पर जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने इस पर स्टे भी लगा दिया था। और अभी बीते दिन ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का रुख 150 प्लस लॉयर्स ने किया है इन्हीं सब बातों के खिलाफ आवाज उठाते हुए। जस्टिस
सुधीर कुमार जैन द्वारा अर्जेंट लिस्टिंग तुरंत से एक्सेप्ट करते हुए और एक ही दिन में बेल ऑर्डर पर स्टे लगाने के खिलाफ ही स्टेट किया गया है कि समथिंग लाइक दिस हैज नेवर बीन सीन इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन जुडिशरी बिफोर दिस एंड दिस हैज रेज्ड डीप कंसर्न्स इन द माइंड ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी। और एक इल्जाम हाईकोर्ट के अलावा जज सुधीर कुमार जैन पर भी लगा है, और वो इसलिए क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्हें इस केस से रिक्यूज कर जाना चाहिए था, इसलिए क्योंकि उनके अपने भाई ईडी के काउंसिल के रूप में काम करते हैं और इससे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होता है। जी हाँ, आपने सही सुना। हालांकि यहाँ ये क्लैरिफाई करने की नीड भी है कि इस केस में जस्टिस जैन के भाई ईडी के काउंसिल के रूप में मौजूद नहीं थे। ये बातें सभी लोगों के लिए सुनना काफी शॉकिंग भी था कि भला आए दिन जुडिशरी में हो क्या रहा है। पर वही और शॉक देते हुए ये भी ऐड किया गया है कि मेनी एडवोकेट्स हैव आल्सो एक्सप्रेस्ड देयर कंसर्न दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट जजेस आर नॉट रिकॉर्डिंग द सबमिशंस बाय एडवोकेट्स इन देयर ऑर्डर्स। दिस इज एक्सट्रीमली अनयूजुअल एंड इज अ प्रैक्टिस दैट रिक्वायर्स टू बी करेक्टेड। आपको बता दें कि इस रिप्रेजेंटेशन में सबसे आगे दिल्ली लॉयर्स एसोसिएशन दिखी है, जिसके हेड एडवोकेट संजीव नायसर है, वो इज ऑल्सो द चीफ ऑफ द आम आदमी पार्टी लीगल सेल। और एक नजर डालते हैं कि इस मामले में लीगल एसोसिएशन ने क्या कहा है। दिल्ली लॉयर्स एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे एक डेलीगेशन अभी डिस्ट्रिक्ट जज हेडक्वार्टर संजय गर्ग साहब से मिला है। ग्रीवेंसेस हमारी ये थी कि आपको ध्यान हो वैकेशंस कोर्ट के अंदर वैकेशंस अभी समर वैकेशंस थी, तो राउज वेन्यू कोर्ट में 20 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी की बेल लगी थी और न्याय बिंदु जो डेजिग्नेटेड कोर्ट थी उन्होंने बेल ग्रांट की थी। जैसे ही वो बेल ग्रांट होने हुई उसके नेक्स्ट डे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर वहाँ के जज इंचार्ज ने निकाला, उसके खिलाफ हम लोग अभी डिस्ट्रिक्ट जज साहब से मिलकर आए हैं और हम लोगों का इतराज है कि ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जिसमें ये कहा जाए कि वैकेशंस कोर्ट जो हैं वो कोई फाइनल ऑर्डर नहीं देंगी, वो किसी भी मैटर के अंदर सिर्फ नोटिस इशू करके और रेगुलर कोर्ट के पास भेजेंगे, जबकि वैकेशंस के अंदर जो कोर्ट बैठती है उसके पास पूरी पावर होती है। तो इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, क्योंकि ये पॉलिटिकल दबाव में अरविंद केजरीवाल जी की जब बेल होती है तो तुरंत बाद ऐसा ऑर्डर आना, ये जाहिर करता है कि इस देश के अंदर संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। इस तरीके की दबाव देके ईडी ने जिस तरीके से हाईकोर्ट के अंदर बिना ऑर्डर के उस ऑर्डर को स्टे करवाया, ये सब चीजों की चिंता जाहिर करने के लिए आज लीगल फ्रेटर्निटी ने अपना एक रिप्रेजेंटेशन दिया है। साथ में हम लोगों ने एक बात और उठाई है, हम लोग जब भी किसी कोर्ट के अंदर अपनी सबमिशंस देते हैं तो वो रिकॉर्ड पे नहीं आती हैं, जजेस उस सबमिशंस को दरकिनार करके और अपना फैसला सुनाते हैं, जबकि ये मैंडेटरी है। अगर जज के सामने कोई भी सबमिशंस लॉयर ने दी है तो वो रिकॉर्ड पे आनी चाहिए। वो इतराज भी हमने डिस्ट्रिक्ट जज साहब को दिया है, डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने हमारे को सुना और उन्होंने ये एश्योर किया कि इस पे वो जो भी कार्रवाई होगी वो करेगी। आपको बता दें कि सीबीआई की अरेस्ट को चैलेंज करते हुए भी दिल्ली सीएम की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स रेज किए थे, जब उन्होंने कहा था कि 2022 के एफआईआर पर 2024 में अरविंद केजरीवाल को क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। ही स्टेटेड, नो क्वेश्चन ऑफ सीबीआई अरेस्टिंग मी इन जून बिकॉज सीबीआई एफआईआर इज ऑफ ऑगस्ट 2022। ही इज देन समंड इन अप्रैल 2023 एंड क्वेश्चन फॉर 9 आवर्स, फ्रॉम दैट टिल नाउ नथिंग इज डन। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने अरेस्ट की नेसेसिटी पर भी एक सवाल उठाया था और कहा था कि ऑन अ 2022 एफआईआर ऑन अ क्वेश्चनिंग इन 2023 अप्रैल ही इज अरेस्टेड नाउ। देयर कैन नॉट बी अर्जेंसी और नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट, द अरेस्ट मस्ट नॉट ओनली इन्वॉल्व बट द अरेस्ट मेमो मस्ट रिफ्लेक्ट सम रीजन सम बेसिस। तो देखते हैं कि 17 जुलाई की हियरिंग में क्या ऑर्डर्स पास हो सकते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अंटिल देन, कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।